आदाब एवरीवन, आज मैं आपके लिए बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। एक नई रेसिपी है, आज हम बनाएंगे बैंगन बैंगन आलू का सालन, या आप कहना बैंगन का सालन। तो ये मैंने बैंगन धो के रख लिए, आधा किलो हैं ये, अब इन्हें मैं काटूँगी। ये इस तरह पहले ऊपर की ये जो डंडी है इसके ऊपर की ये निकालूँगी, जैसे मैंने इसमें ये निकाल दिए। फिर इसके पीस करेंगे, पीस के चार पीस इस तरह कर देंगे, बस इस तरह करना है। ये देखिए मैंने एक आलू काट लिया है इस तरह, ये था, इसको दो पीस कर दिए। अब ये आलू भी इसी तरह काटेंगे, आप इसे छोटा भी कर सकते हैं आलू के पीस। ये देखिए एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली है एक गिरा, और मैंने पांच लहसुन की कलियां छील के ले ली। अब इनको मैं ब्लेंडर में ब्लेंड करूँगी। चूल्हा जला के मैंने अब धो के बर्तन चढ़ा दिया है। जब ये सूख जाएगा तो इसमें हम तेल डालेंगे एक कटोरी। ये देखिए ये ड्राई हो गया है, अब इसमें हम एक कटोरी तेल शामिल करेंगे याद करके। तेल हो गया है, अब हम इसमें हम लहसुन प्याज का जो पेस्ट है वो शामिल कर देंगे। देख सकते हैं अब इसी में मसाला शामिल करेंगे हम। मिर्चें अपने हिसाब से डालिएगा, मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ लाल पसी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, एक चम्मच भर के इसे धनिया, थोड़ा सा नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आप खाते हैं। अब इसे चम्मच से चला दिए, ये चला दिया अब हमने, अब इसे भुनने देंगे। ये देखिए हमारा मसाला भुनना शुरू हो गया, ये देखिए मसाला भुनना शुरू हो गया। अब इसे हम आधा चम्मच पिसी हुई अदरक डालेंगे। ये देखें मसाला हमारा भुन गया है, तेल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें बैंगन आलू डालेंगे। ये डाल दिए हमने, दो कप पानी डालेंगे, ये एक कप। अब इन्हें पकने के लिए छोड़ देंगे और भगोने को ढक देंगे। ये देखें ये हमारा तैयार हो चुका है पक कर। अब मैं इसे प्लेट में निकालूंगी और चूल्हा बंद कर दूंगी। देखिए मैं निकाल रही हूँ, ये देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिया है, मज़ेदार सा बैंगन आलू सालन तैयार है, या बैंगन का सालन तैयार है। ये देख सकते हैं आप, इस पर आप हरा धनिया गार्निशिंग के लिए डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी, और आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। बहुत आसान है, जल्दी से तैयार हो जाती है। तो इस रेसिपी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। वैसे भी सर्दियों में सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी आ भी रही होती हैं, और बहुत अच्छी और मज़ेदार भी लगती हैं।